हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक टीवीएस स्टार सिटी 110 सीसी का एक बाइक आया है। तो फ्रेंड्स, इसका मैं मैग्नेट साइड खोला हूँ, ओके। और इसका आर्म किस लिए खोला हूँ तो देखिए, इसका आर्मेचर कॉइल किस तरह से घायल हो गया, ओके। तो ये देखिए, ये इसका जो नाट, ये देखिए, ये नाट, ये लंकी नाट खोल के ये देखिए, इस तरह का, ये देखिए, इसको घायल कर दिया, ओके। इसको काट के एकदम खराब कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये ज़्यादातर बाइक का यही प्रॉब्लम होता है, ओके। स्टार सिटी 110 का मैंने देखा है, तो इसका लाइन नहीं आ रहा था, हेडलाइट नहीं जल रहा था, बैटरी चार्ज भी नहीं हो रहा था, ओके। तो ये स्टार सिटी 110 में ज़्यादा तरह का देखा जाता है, इस तरह का जो इलंकी नट खोल के ये आर्मेचर को घायल कर देता है, ओके। तो पहले मैं इसका रेगुलेटर तो पहले चेक नहीं करना चाहिए इस कंडीशन में, आपको डायरेक्ट ये लाइन चेक करना चाहिए। इस वाला लाइन में बीप साउंड आना चाहिए, कंटिन्यूटी मोड पे जब रखेंगे, आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैंने एक मल्टीमीटर लिया है और इससे कंटिन्यूटी मोड पे रख दिया, ओके। और एक ये देखिए, एक बॉडी लाइन आर्थ पे रख के ओके। और दूसरा लाइन चेक करेंगे तो मल्टीमीटर पे बीप साउंड आना चाहिए, ओके। ये देखिए, कोनो बीप साउंड नहीं आ रहा है इसमें, और देख पा रहे, कुछ भी बीप साउंड नहीं बज रहा है, ओके। आपस में कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये जो इसका तार है, पीतल का जो तार है, तांबा का, वो कट चुकी है, इसलिए आपस में लाइन नहीं आ रहा है, तो ये बीप साउंड नहीं बज रहे। तो फ्रेंड्स, मैंने एक कॉइल परचेज किया है, ये मैंने निप्पन का, ये ओरिजिनल नहीं है, मगर ओरिजिनल में यही प्रोडक्ट रहता है और इसका 1000 के ऊपर प्राइस रहता है। तो ये मैंने 800 से ख़रीदा है, ओके, निप्पन कंपनी का, 800 के 800 के करीब आपको मिल जाएगा ये नया, ओके। तो ये देखिए, यहाँ पे बीप साउंड आएगा। तो ये देखिए, मैंने दे दिया, और ये देखिए बीप साउंड आप सुन पा रहे हैं, ऐसा बीप साउंड उसमें नहीं आ रहा था, भाई नया है तो आएगी, ये देखिए बीप साउंड आ रहा है, ओके। तो फ्रेंड्स, पहले आप इस तरह से चेक कर लेंगे खोलने के आगे, जब बीप साउंड आएगा तो आर्मेचर कॉइल ठीक है, और बीप साउंड नहीं आएगा तो ये आर्मेचर कॉइल खराब है, और ये पिकअप कॉइल खराब होने से स्टार्ट नहीं लेगा, ओके फ्रेंड्स। ये स्टार्टिंग का है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये चार्ज देता है, ओके। ये कॉइल चार्ज करके डिसलाइन इस पिकअप कॉइल का देता है, तब बैटरी बिना स्टार्ट लेता है। तो इसका प्रॉब्लम यही हो रहा था, ये बैटरी चार्ज भी डाउन हो जा रहा थी, क्योंकि इसका आर्मेचर जो लाइन उन्हें रेगुलेटर में नहीं जा रहा था और बैटरी चार्ज नहीं हो रहा था, ओके। तो सिंपल से ही रीजन है, तो चलिए अब इसको लगा के फिटिंग करके स्टार्ट करके आपको दिखाता है, ओके, दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, तो ये देखिए, इसका पैकिंग भी खराब हो गया, जगह जगह कट गया है, ओके। तो पैकिंग भी इसका नहीं लगाना पड़ेगा, और मैं इसको खोलकर लगाता हूँ। Thank you.
तो फ्रेंड्स मैंने ये आर्मेचर कॉइल को फिटिंग्स कर दिया है। ओके, और इसके बाद ये देखिए एक मैग्नेट पैकिंग लगेगा, ये अलग से आपको मिल जाएगी। ये स्टील वाट का मैंने लिया है, मेरे को ओरिजिनल नहीं मिला। ओके, 37 रुपये का दाम है, आपको 30 रुपये पड़ जाएगा। ओके, तो ये इसमें लगेगा। और यहाँ पे आर्मेचर में देखिए दो नट अभी भी इसका ढील पड़ा है। ओके, देखिए ये और ये यहाँ पे ये दोनों नट ढील पड़ा है। एक नट खुल के ये आर्मेचर को घायल कर दिया, और ये दो नट वो भी खुलने वाले थे तो ढील है, तो भी मैं टाइट कर दूंगा और यहाँ पे एक नया लगा दूंगा। ओके, और चले सब कुछ इसको फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। I don't know, man. I don't know.
फ्रेंड्स मैंने आर्मेचर कॉइल को अच्छी तरह से फिटिंग कर दिया और ये देखिए बैटरी को मैंने लाइन इसको खोला माने इसको खोल दिया है, जो बैटरी बिना स्टार्ट नहीं हो रहा थी और हेडलाइट भी नहीं जल रही थी। तो अब देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ बैटरी, ये देखिए बैटरी का जो पॉजिटिव का ये खुला है। ओके देखिए इसका क्लच स्लिप कर रहा है, क्लच प्लेट खराब है। ये देखिए हेडलाइट भी जल रहा है। ओके तो फ्रेंड्स ये इसका प्रॉब्लम थी आर्मेचर कॉइल का। तो फ्रेंड्स आप लोग देख ही लिया कि आर्मेचर कॉइल की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही थी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। ओके अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए।